अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। कभी कभी हमारे पास ऐसा गाड़ी आता है जिसका फॉल्ट ज़रा सा होता है लेकिन उसको पकड़ने में बहुत टाइम चला जाता है। तो आज एक गाड़ी आया है हमारे पास, इसका क्या फॉल्ट है आप लोगों को दिखाऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूं कि ये गाड़ी जो है ये थोड़ी देर चल के घड़घड़ करके आवाज़ होता है, फिर बंद हो जा रहा है। ठीक है, थोड़ा देर चल रहा है ऐसे में, ज़्यादा बंद नहीं, बंद होकर भी ऐसे पूरा बंद नहीं हो जाता है, थोड़ी देर बंद होकर रुकता है फिर चलता है गाड़ी। तो मैं सोचा कि पहले इसका सेंसर का फॉल्ट होगा, तो सेंसर को इसको बदली करके देखा, सेंसर का फॉल्ट नहीं है। तो सेंसर चेक करके भी देखा था तो उसमें कोई फॉल्ट नहीं था, फिर भी मैं बदली करके दिया था तभी भी ठीक नहीं हुआ वो। उसके बाद जो इसका कंट्रोलर है उसको भी मैं चेक करके देखा तो तभी भी कंट्रोलर का भी फॉल्ट नहीं है इसका। तो मोटर को मैं खोल के एक बार इसको चेक किया कि इसका जो मोटर है वो शॉर्ट है क्या, वो चेक किया, तब इसका जो मेन या ऐसा बंद होने का कारण समझ में आया। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को मैं दिखा भी देता हूँ। तो इससे पहले कि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का बटन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। तो देखिए ये वाला मोटर था उस गाड़ी में, तो इस मोटर जब लगा हुआ था तो गाड़ी चलते चलते रुक जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई ब्रेक मार रहा है और अंदर से घड़घड़ करके आवाज़ आ रहा था। तो पहले तो हमने इसका जो सेंसर कंट्रोलर उसके बाद मोटर सब कुछ चेक किया तो किसी में फॉल्ट नहीं दिखा। इसका कंट्रोलर को नया लगा के देखा तभी भी ऐसा ही हो रहा था जैसे पहले हो रहा था। फिर इसका मोटर का जो सेंसर है उसको चेक किया तो सेंसर सही था, फिर भी इसको बदली करके दिया फिर भी वैसा ही हो रहा था। तो फिर सोचा कि क्यों ना इसका एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये शॉर्ट है क्या। तो देखिए इसमें एक जो मोटा वाला वायर है उसमें एक फ्रॉग को लगाया और एक फ्रॉग को देखिए मोटर पे लगाया, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट दिखा रहा है। तो ऐसा अगर शॉर्ट होगा मोटर तो वो चलेगा नहीं, मोटर चलते चलते रुक जाएगा। ठीक है, आपका मोटर अगर इस तरह से शॉर्ट होता है तो वो मोटर चलेगा नहीं। तो अगर ऐसा कभी होता है आपको तो खोल के देखना पड़ेगा कि अंदर किस चीज़ के लिए शॉर्टिंग है। तो देखिए यहाँ पे आवाज़ भी आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा और यहाँ पे मल्टीमीटर के देखिए बीप बजर राउंड पे दिया हुआ है मल्टीमीटर को, तो वहाँ पे बीप की आवाज़ आ रहा है। तो देखिए आप लोगों को सुनाई भी दे रहा होगा बीप की आवाज़ आ रहा है। तो चलिए इसको खोल के एक बार देख लेते हैं कि अंदर क्या है इसका। ठीक है, इसका अंदर किस चीज़ का शॉर्टिंग है वो एक बार देखते हैं, अगर वो दिख गया तो ये सही हो जाएगा, नहीं तो ये सही नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे कॉइन जो है इसका, फिर भी कॉइन अच्छा है इसका, कई कई पे थोड़ा जला हुआ है। तो इस साइड पे देखिए जहाँ पे रबर है उसके साइड पे थोड़ा जला हुआ है, लगता है कि ये उसका जो पेपर है वाइंडिंग पेपर वो जल के इसका जो कॉइन है वो बॉडी के साथ अटैच हो गया। ठीक है, जो कॉपर का वायर है वो बॉडी के साथ अटैच हो गया होगा, इसके वजह से शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो अगर मैल वगैरह कुछ घुस जाता है अंदर तो शॉर्टिंग होता है, तो वॉश करने से वो ठीक हो जाता है। और अगर इसका जो अंदर वाला पेपर जल जाता है उसके वजह से अगर शॉर्टिंग होता है तो वो ठीक नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको खोल के नया वाइंडिंग करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो मोटर है वो सही नहीं होगा। तो इसको भी वॉश करके भी एक बार देखा तो सही नहीं हुआ, तो इसको क्या करना पड़ेगा, नया वाइंडिंग करना पड़ेगा इसमें, फिर जो ये मोटर है वो ठीक होगा। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा फॉल्ट आपका आता है तो इस तरह से मोटर को भी एक बार चेक कर लेना, ताकि अगर मोटर में शॉर्टिंग रहेगा तो गाड़ी चलेगा नहीं, थोड़ा देर चल के फिर रुक जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो घंटी का बटन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और वीडियो को एक लाइक कीजिए।